brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. ये नहीं है कि हाँ हमें नौकरी चाहिए, नौकरी सभी को नौकरी तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कुछ अपना स्टार्ट कीजिए। हर कोई सोचता है हम आगे जाएं, ये मेरा जीरो से हम स्टार्ट किए और हम चाहते हैं बहुत आगे जाएं। सबको नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है, जितना पॉपुलेशन इंडिया में है सबको मिलना पॉसिबल नहीं है। देखिए अब टाइम बचा नहीं, अब जॉब के चक्कर में रहेंगे ना तो और पीछे चले जाएंगे। इस वक्त हम हैं पटना के जेपी गंगा पथ पर, जिसे आप मरीन ड्राइव के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमने सोचा पटना में जब लोकसभा चुनाव का मिजाज जानने आए हैं तो यहाँ के जो पॉपुलर पॉइंट्स हैं वहाँ पर आया जाए। अब ये बताइए इस जगह का नाम क्या है, हम देख रहे थे काफ़ी लोग यहाँ आकर खा रहे थे, क्या है ये और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैम अंजलि वर्मा है। अंजलि, सबसे पहले तो नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसी हैं आप? मेरा नाम अंजलि वर्मा है, ठीक है मैम। और इस जगह का नाम मरीन ड्राइव है, दिघा पटना, पटना दिघा मरीन ड्राइव। और यहाँ का खास जो यहाँ का मीन्स ये है वो चिकन लिट्टी है। आपको अच्छा। बहुत सारा स्टॉल दिख जाएगा। कैसे बना कर देते हैं आपको? ये तो सर मैम आपके सामने बन रहा है, ये चिकन, चिकन और लिट्टी को एक साथ, एक साथ हाँ ग्रेवी में डाल करके बनाते हैं। अच्छा जी, काफ़ी लोग आते हैं ये कॉम्बिनेशन खाने के लिए? हाँ आते हैं। लेकिन ये बताइए कि आपकी चेहरे पे तो बहुत चमक दिख रही है, रोजगार वोजगार का क्या मामला है? मतलब आप लोग रोजगार तलाशने के लिए कब से ये शुरुआत जो है वो की है? रोजगार मैम 3 महीने से हम ये स्टार्ट किए हैं। 3 महीने से आप ये दुकानियाँ लगा रही हैं, कितने का ये प्लेट आप देते हैं? मेरे यहाँ स्टार्टिंग 35 से है, 35 में एक चिकन का नॉर्मल पीस एक लिट्टी, और 70 में मेरे यहाँ दो नॉर्मल पीस दो लिट्टी मिल जाता है, 80 में एक लेग दो लिट्टी, 100 में एक लेग एक नॉर्मल पीस और दो लिट्टी। अच्छा, तो दुकान आप अकेली चलाती हैं, आपके साथ कोई और भी चलाते? नहीं, हम और मेरे हस्बैंड। अच्छा, तो ये आपके हस्बैंड है जो पीछे सेक रहे हैं, लिट्टी बना रहे हैं आपके हस्बैंड है? अच्छा, तो कब से आप लोगों ने सोचा और क्यों सोचा, कितनी पढ़ी लिखी हैं आप वो बताइए? ग्रेजुएशन किए हुए हैं। किस में ग्रेजुएशन किए? केमिस्ट्री ऑनर्स है मेरा। कहाँ से? नालंदा महिला कॉलेज से जी। तो फिर और कुछ नहीं सोचा, मतलब आप ठेला लगा रही हैं और कुछ नहीं सोचा कि ग्रेजुएशन कर ली या तो और पढ़ लिया जाए या फिर ग्रेजुएशन के बाद कोई नौकरी तलाश ली जाए? नहीं, जॉब के लिए तो बहुत ट्राई किए पर हुआ ही नहीं हमको। नहीं, तो फिर लाइफ तो पूरा ऐसे ही जॉब के चक्कर में ही चला जाएगा, उससे अच्छा अपना कुछ स्टार्ट कर लो। और नीड तो हर किसी को होता है मैम, मेरे घर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत था तो हम स्टॉल लगा लिया। क्या प्रॉब्लम थी अगर आप बताना चाहें? जैसे कि मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया था उस टाइम, और अच्छा। जी कोरोना के टाइम में, और बहुत इधर उधर करके हम लोग अपना एक रेस्टोरेंट चालू किए छोटा सा। कहाँ पे? नालंदा। अच्छा, चालू किया था बिहार शरीफ। क्या हुआ? तो वो भी बंद हो गया मैम पैसे के कारण। वो कोरोना के वक्त की बात है? उसके बाद कुछ दिन बाद की बात। पेमेंट ये सब नहीं दे पा रहे थे अपने स्टाफ को तो बंद हो गया वो भी। फिर उसके बाद बहुत दिन तक बस तलाशते रहे क्या करे नहीं करे। 5-10 हज़ार में तो कुछ होता नहीं है मैम, बस घर चलेगा, बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे तो फिर कुछ। कितने बच्चे हैं वो बताइए? दो बच्चे हैं। कितने छोटे हैं? 1-2 साल 1-4 साल। 2 साल और 4 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब उनके आगे की पढ़ाई का भी सोचना है, सब कुछ करना है, तो क्या सोचा है? आपको लगता है कि एक दिन में कितना आप कमा लेती हैं? आ जाता है घर चलने भर आ जाता है। मतलब फिर भी कुछ आइडिया अगर आप बताना चाहें एक दिन का कोई ये नहीं है, मीन संडे सैटरडे यहाँ ज़्यादा होता है, बाकी का दिन यहाँ थोड़ा कम होता है जी। तो आपको लगता है कि इससे दिनचर्या चल रही है ठीक ठाक और आगे भी चलेगी? मैम ये तो मेरा स्टार्टिंग है। अच्छा। ठीक है, हर कोई सोचता है हम आगे जाएं, ये मेरा जीरो से हम स्टार्ट किए हैं और हम चाहते हैं बहुत आगे जाएं। और बहुत सारी लेडीज आती हैं जिनको जो हम बोलती हैं कि आपको देख के बहुत हिम्मत आती है, हम उनके लिए भी कुछ काम करें। ठीक है, इसलिए हम स्टॉल से चालू किए और बहुत सोचते हैं कि लेडीज लोग के लिए भी हम कुछ मीन से एक होता है ना कर सकें। हाँ कर सकें। महिला हैं आपके यहाँ पर, मैं देख रही हूँ बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ज़्यादातर में आप पुरुष नज़र आएंगे, कोई दिक्कत होती है कभी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोऑपरेटिव हैं लोग आपके सब? साथ हाँ सब कुछ कोऑपरेटिव हैं। हाँ। बहुत अच्छे हैं यहाँ, मतलब जो भी पब्लिक आते हैं बहुत हमको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मतलब आप लोग वोटर भी हैं, आपके यहाँ वोटिंग हो चुकी है होनी है अभी? इतना बिजी हमको पता नहीं है अभी। बिजी हैं पता नहीं वोटिंग का पता नहीं, यहाँ का पता है
लेकिन अपने तरफ हुआ नहीं हुआ नहीं अच्छा, पता। नालंदा का आपको नहीं पता वोटिंग हुई कि नहीं, लेकिन क्या केंद्र सरकार जो अभी है, मोदी सरकार है, उससे आप खुश हैं रोजगार के मामले पर और मामलों पर? देखिए मैम, पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई करना जरूरी है, ये नहीं है कि हाँ हमें नौकरी चाहिए नौकरी, सभी को नौकरी तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कुछ अपना स्टार्ट कीजिए, पढ़ाई जरूरी है। सरकार हमें बहुत सारा ऑप्शन दे रहे हैं, मीन्स ये भी लगा रहे हैं, उन्हीं के वजह से सेफ महसूस करते हैं, हमेशा यहाँ पे प्रशासन रहते हैं तो इसलिए हम लोग भी यहाँ पे जितनी बहुत सारी लेडीज लोग काम करें, आप देखी होंगी शायद, तो हम लोग निफिक्र होकर काम करते हैं। तो जॉब ज़रूरी है, हम ये नहीं कहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, हम भी पढ़ाई करते थे, हमको भी ज़रूरत था, बहुत सारा फॉर्म भरे हुआ नहीं, काउंसलिंग कहाँ भरा, कहाँ कहाँ भरा फॉर्म? बैंकिंग का, फिर मत्स्य विभाग में भरे, फिर पुलिस वाला में भरे, पर नहीं दिया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं, नहीं। लेकिन ये जो हम देखते हैं कि चाहे राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर, आपसे राज्य स्तर की बात करेंगे, भर्तियां निकलती हैं, पूरी निकलती हैं या कम निकलती हैं भर्तियां? निकलती तो हैं, बस हम लोग स्टूडेंट बहुत काफ़ी हो गए हैं क्योंकि पहले उतने पढ़ते नहीं थे, अब सारे स्टूडेंट हर किसी के, हम भी चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, हमारी मम्मी पापा भी चाहते थे पढ़े, सब हम लोग पढ़ चुके हैं मतलब सब इन, आप भी आइए सर, पढ़ाई हम लोग की पूरी हो चुकी है, जॉब उतना मिलेगा नहीं मैम, जितना यहाँ आबादी है उतना जॉब नहीं दे पाएंगे सरकार, इसलिए हम कहेंगे ठीक है ट्राई कीजिए, जॉब ना हो तो टेंशन मत लीजिए। हाँ हम खुश, अभी अभी जितना उतने में आप खुश हैं? हाँ हम खुश हैं, चल जाएगा इतने में, नहीं बढ़ाएंगे इसको, बढ़ाएंगे, रेस्टोरेंट बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर नहीं कहीं पे भी बन जाएगा। हाँ जी, अच्छा तो आपके हस्बैंड से भी बात करेंगे, कितने पढ़े लिखे हैं? ये भी ग्रेजुएशन कंप्लीट, ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन ग्रेजुएशन के बावजूद ठेला ही लगा रहे हैं आप लोग यहाँ पर? नहीं, उन्हें जॉब थी किसी कारण बस, हाँ छोड़नी पड़ी। आपका क्या नाम है सर? इस तरफ आ जाइए। हाँ जी, क्या नाम है सर? अच्छा, तो आप भी यही जो है इसमें ही सहयोग कर रहे हैं अपनी पत्नी का? जी जी। लेकिन पत्नी एकदम फ्रंट पर लीड करती हुई नजर आ रही है आगे से, वो हमसे ज्यादा एक्टिव है इस समय, ज्यादा एक्टिव है। ये बताइए कि देश में कौन एक्टिव है, देश में कौन काम कर रहा है, मोदी सरकार काम कर रही है, कामकाज बहुत अच्छा कर रही है? बहुत अच्छा, फिर आप ठेला क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर? लगा रहे हैं, सबको जॉब नहीं मिल सकता है ना, सबको जॉब नहीं मिल सकता, तो बिजनेस भी जरूरी है, तो आपने खुद से ही शुरू कर दिया अपना? जी। खुश है सरकार का जो 10 साल का कामकाज रहा, खुश है एकदम, खुश है, खुश, कोई दिक्कत नहीं हो रही? तो क्या काम आपको अच्छा लग रहा है? ये जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो तो कहती हैं कि भाई रोजगार नहीं देती सरकार, रोजगार बराबर नहीं आ रहा, फिर वादे कर रही है कांग्रेस पार्टी वगैरह। सबको नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है, जितना पॉपुलेशन इंडिया में है तो सबको मिलना पॉसिबल नहीं है, और विपक्षी पार्टी तो हमेशा इल्जाम लगाती रहेगी, कोई भी भाजपा हो चाहे जदयू हो चाहे किसी पार्टी हो, हमेशा इल्जाम लगाती रहेगी। अच्छा, कितने बच्चे, कितने हैं आपके? दो बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं दोनों बच्चे, तो कैसे? चार साल का, एक दो साल का है। तो फिर कैसे आगे आगे चल के क्या सोचा है, गुजारा हो जाएगा ये जो एक परिश्रम तो कर रहे हैं दोनों मिले कर रहे हैं, और पब्लिक का सपोर्ट ही मिल रहा है, और उम्मीद है कि आगे बढ़ेंगे। लेकिन कभी मन नहीं किया कि आप दोनों लोग ग्रेजुएट हैं, आगे पढ़ भी सकते हैं चाहे तो, और नहीं तो आज आप जॉब भी तलाश सकते हैं? चला देखिए, अब टाइम बचा नहीं, अब जॉब के चक्कर में रहेंगे ना तो और पीछे चले जाएंगे। ठीक है, मतलब जॉब मिलेगी उसकी कोई उम्मीद नहीं है? नहीं है, ठीक है, इसलिए अब इसी में, क्योंकि रेस इतनी ज़्यादा आपको लगता है, इसलिए खुद का ही आपने स्टार्टअप, छोटे बच्चे हैं तो छोड़ के ड्यूटी जा नहीं सकते, और हम दोनों अभी सिंगल हैं, कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं कि बच्चे को देखभाल कोई कर सके, इसलिए हम लोग सोचा कि चलो बच्चे आपके साथ में आते हैं, साथ में आते हैं, तो कैसे मतलब अभी काम का चल जाता है? अभी कितने एक दिन की दिनचर्या की, कितने एक दिन में कमाई हो जाती है? वही 1-1.5 हज़ार हो जाता है। 1-1.5 हज़ार एक दिन का, 1-1.5 हज़ार ठीक लगता है आपको? आपको लगता है कि चल जाएगा इसमें आगे भी? अभी ठीक है, फिर बढ़ाएंगे, धीरे मेहनत करेंगे, पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा तो और आगे बढ़ेगा। लेकिन सरकार से कुछ कहेंगे कि आप लोगों के रोजगार के लिए क्या आप चाहते हैं कि मदद आपकी की जाए? कोई भी चाहेगा कि सरकार मदद करे। ठीक है, हाँ, सरकार से हम अपील करेंगे कि सर हम लोग को मरीन ड्राइव से मत हटाइए प्लीज़, हम लोग को यहाँ रोजी रोटी चल रहा है, दो दिन से सुन रहे हैं कि नगर निगम हम लोग को हटाने वाले हैं सबको, हाँ तो मत हटाइए। अच्छा। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी
कि हम लेडीज यहाँ पे बहुत मीन्स सेफ महसूस करते हैं, इस वजह से यहाँ पे काम करते हैं, घर से निकले हैं। तो वही मैम, यही सरकार से रिक्वेस्ट है मेरी। अच्छा, सरकार से आप कह रही हैं कि भाई इन्हें हटाइए मत, लेकिन ऐसा ऐसी कोई बात आई है कि यहाँ से हटाने वाले हैं? हटाने वाली बात है, यहाँ मरीन ड्राइव शायद बन रहा है, इसमें कुछ कुछ बनेगा, इस वजह से हम लोग को हटाया जा रहा है। ये जेपी सेतु के नीचे लगाने बोल रहे हैं, तो 2 मंथ बाद तो पानी आ जाएगा मैम, तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? तो इसीलिए अपील करना चाहते हैं सर, नीतीश सर से, कि मत हटाइए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपके वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र में वही चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी के साथ जी। मोदी जी से क्या कहेंगे? उन्हें भी यही बात कहेंगे कि मत हटाइए। हाँ, मत हटाइए। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 26। 26 साल की उम्र में आप इतना सब कुछ कर रही हैं, 2 बच्चे हैं, तो मैनेज कैसे हो रहा है इतना, क्योंकि यहाँ भी आप आती हैं और फिर 2 बच्चे भी हैं छोटे छोटे। समय सब कुछ मैनेज करवा देता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे इन महिला से, जो कैसे दिनचर्या इनकी चलती है, हमने बात की रोजगार को लेकर, मोदी सरकार से उनका क्या कहना है, ये सब बातें हमने करने की कोशिश की। आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, आप न्यूज़ तक।